नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे और आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का। पीएम मोदी ने आज 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर कर्नाटक के मैसूर पैलेस मैदान में एक सामूहिक योग कार्यक्रम का नेतृत्व कर रहे हैं और आज के दिन दुनिया भर में लगभग 25 करोड़ लोगों के विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेने की उम्मीद जताई गई है। योग दिवस के मौके पर भाजपा 75,000 स्थानों पर योग कार्यक्रम आयोजित किया। 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है आज और इस मौके पर आज देश भर में योग दिवस मनाया जा रहा है और लोग बढ़ चढ़ करके इस योग दिवस में भाग ले रहे हैं। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर आज राज्य भर में कार्यक्रमों का आयोजन किया और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के साथ राजभवन में योग किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि हम सभी प्रधानमंत्री के ऋणी हैं जिन्होंने भारत के ऋषि परंपरा को न केवल भारत में बल्कि पूरी दुनिया में पहुंचाया है। आज 200 देशों में योग मनाया जा रहा है। भारत को अपनी विरासत पर गर्व करना चाहिए। इस बार योग मानवता के लिए मनाया जा रहा है। 2 सालों के बाद पूरे विश्व में योग दिवस मनाया जा रहा है। राजभवन में सीएम योगी ने योगाभ्यास किया। देश भर में आज योग दिवस मनाया जा रहा है और इस अवसर पर राजभवन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने योग किया। साथ ही उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी मौजूद रहीं और तमाम सारे अधिकारी भी इस दौरान मौजूद रहे और सभी ने आज योग दिवस पर योग अभ्यास किया। तो ऋषि परंपरा को एक बार फिर से जीवित करने की बात कही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने और कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हम लोग ऋणी हैं क्योंकि ऋषि परंपरा को न केवल वो देश भर में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसे ले जाने का काम किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से। ऋषि परंपरा पूरी दुनिया में पहुंचाई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज उत्तर प्रदेश में योग दिवस के दौरान ये बातें कही हैं। ऋषि परंपरा को पूरी दुनिया में पहुंचाने का काम किया है पीएम मोदी ने। आज राजभवन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने योग दिवस पर योग किया और उनके साथ राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी मौजूद रहे और तमाम सारे अधिकारी भी इस दौरान मौजूद रहे। सभी ने राजभवन में योग दिवस के अवसर पर योग किया। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है जिस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी 75,000 कार्यक्रमों का आयोजन किया है और इसके साथ ही फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और खबरों में आगे बढ़ेंगे। योग दिवस पर जौनपुर में केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल, ऊर्जा मंत्री एके शर्मा, विधायक रमेश सिंह ने भी योग किया है। इस दौरान अनुप्रिया पटेल ने कहा कि यह प्रधानमंत्री जी का सराहनीय कार्य है, सभी को योग करना चाहिए। आठवें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर सभी देशवासियों को और दुनिया के तमाम देशों के नागरिक जो आज कॉमन योगा प्रोटोकॉल का पालन कर रहे हैं, सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। इस बार का योग दिवस बहुत खास है। आज़ादी के अमृत काल में देश की 75 आइकॉनिक साइट्स पर हम कॉमन योगा प्रोटोकॉल का पालन कर रहे हैं, आयोजन कर रहे हैं और इसी क्रम में जौनपुर की ऐतिहासिक विरासत शाही किले पर आज यहाँ पर बड़ी तादाद में लोगों ने
कॉमन योगा प्रोटोकॉल के आयोजन में हिस्सा लिया है। आज अंतर्राष्ट्रीय विश्व योग दिवस पर मैं पूरे जनता, पूरे विश्व के सभी लोगों को आभार प्रकट करता हूँ कि आज सभी ने विश्व योग दिवस पर योग करके दिखाया कि योग में ही सब कुछ है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो स्वप्न देखा, आज पूरे विश्व में 195 देश आज ये कार्यक्रम कर रहे हैं, इसके लिए पूरे देश को मैं बधाई प्रसिद्ध करता हूँ। आज 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है और इस मौके पर देश और दुनिया में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। वहीं प्रदेश भर के मुख्यमंत्रियों ने भी राज्य में कार्यक्रम आयोजित कर योग किया और ये तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। तो पहले तस्वीर आप देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किस तरीके से राजभवन में योगाभ्यास किया। और आपको बता दें कि लगातार जिस तरीके से योग को लेकर के देश ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस योग दिवस को ले जाने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया और आभार जताया सीएम योगी ने। वहीं दूसरी तस्वीर सीएम शिवराज सिंह ने, जो कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से योग करते हुए वो नजर आ रहे हैं। और इसके साथ ही पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड में लोगों के साथ योग करते नजर आए। और वहीं जो चौथी तस्वीर है वो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री किस तरीके से योग करते हुए लोगों के साथ नजर आ रहे हैं। और पांचवी तस्वीर में अरविंद केजरीवाल खुद, जो कि दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, वो भी लोगों के साथ योग करते हुए नजर आ रहे हैं। तो पांच तस्वीरें अलग अलग प्रदेशों में सभी मुख्यमंत्रियों ने योगाभ्यास किया योग दिवस के अवसर पर। कन्नौज में राज्य मंत्री मयंकेश्वर शरण सिंह और सांसद सुब्रत पाठक ने योग किया। इस दौरान उन्होंने योग कर निरोग रहने का संदेश दिया। निश्चित रूप से आज एक मतलब अच्छा अनूठा कार्यक्रम हुआ है और जनपद के मुझे लगता है एक बड़ी संख्या में लोगों ने इसमें यहाँ भागीदारी की है। योग को अगर हम अपने जीवन में यदि अपनाएंगे तो मुझे लगता है कि निश्चित रूप से हम लोग की निरोगी काया रहेगी और किसी भी काम में हमारा मन लगेगा। एक ही परिवार के तीन लोगों की संदिग्ध मौत, माँ बेटे सहित 3 साल की बच्ची की हुई मौत। रविवार रात खाने के बाद खराब हुई थी तबीयत और 24 घंटे के अंदर एक एक कर हुई तीनों की मौत। एक साथ 3 मौतों से पूरे प्रशासन के हाथ पांव फूले। सूचना के बाद डीएमएसपी पहुंचे मृतकों के गांव और पुलिस के मुताबिक फूड प्वाइजनिंग से ये मौत हुई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद मौत का खुलासा होगा बताया जा रहा है। सदर कोतवाली क्षेत्र के अटारा गांव का ये पूरा मामला। कन्नौज से ये खबर है जहां पर 24 घंटे के अंदर एक एक कर 3 लोगों की मौत हो गई है और एक साथ 3 मौतों से अब प्रशासन के पैर फूल गए। सूचना के बाद डीएमएसपी मौके पर पहुंचे और उसके साथ आगे की जांच की कार्रवाई पुलिस के टीम की तरफ से की जा रही है। पुलिस के मुताबिक फूड पॉइजनिंग से ये मौतें हुई हैं। एक ही परिवार के 3 लोगों की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत होने के बाद अब हड़कंप मच गया है। माँ बेटे सहित 3 साल की बच्ची की भी मौत हो गई है और पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों की तरफ से फूड पॉइजनिंग वजह बताई जा रही है मौत की। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता शुभम हमारे साथ फोन लाइन पर। शुभम, एक ही परिवार में 3 लोगों की मौत, क्या कुछ कारण निकल करके आया सामने? शुभम, चलिए संपर्क नहीं हो पा रहा, फिर से जोड़ने की कोशिश करेंगे। तो एक ही परिवार में 3 लोगों की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो जाने से हड़कंप मच गया है। वहीं अब पूरे मामले की जांच में पुलिस टीम जुटी हुई है। हालांकि सूचना जैसे ही डीएम और एसपी को मिली तो मौके पर पहुंचे और बता दें आपको कि एक ही परिवार में माँ बेटे सहित
तीन साल की बच्ची की भी मौत हो गई है और अग्निपथ के विरोध में भारत बंद के दिन संभल में प्रशासन को फेलियर सामने आया है। भाकियू कार्यकर्ताओं ने धारा 144 का उल्लंघन कर अग्निपथ के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और तहसील पर धरने पर बैठ गए। वहीं पुलिस महकमे की खुफिया इकाई को धरना प्रदर्शन के समय रहते खबर तक नहीं लगी। हमारी मांग है कि वो जो अग्निपथ इन्होंने जो कानून बनाया है वो वापस लें और स्थायी रूप से रोजगार दिया जाए युवाओं को, जो क्योंकि जो जो सरकार युवाओं को 2 करोड़ युवाओं को हर साल नौकरी देने के लिए वायदे से आई थी, आज तक वो रोजगारों को छीनने का काम किया है। कोई कहीं भी किसी क्षेत्र में युवाओं को रोजगार नहीं मिला। और इसी खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ सतीश सिंह हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं। सतीश, जिस तरीके से ये भाकियू कार्यकर्ताओं ने तहसील में धरना प्रदर्शन दिया है, अग्निपथ योजना को लेकर धरना प्रदर्शन दिया गया है, इन लोगों की क्या कुछ मांग है और सरकार की तरफ से अगर इस योजना को वापस नहीं लिया जाता है तो भाकियू क्या कुछ आगे करेंगे? देखिए मैडम, चले आपको चिंता संभल की सदर तहसील का वहाँ मामला है। धारा 144 का उल्लंघन करते हुए भारी तादाद में भूमापिया कार्यकर्ता पहुंचे और वहाँ अग्नि वीर के खिलाफ में प्रदर्शन करते हुए जमकर नारेबाजी की और कार्यकर्ताओं ने धरने पर बैठकर धारा 144 की वजह से जहाँ पर जिले के धरना पर प्रदर्शन करते हुए प्रबंधक और जहाँ चार और अधिकारी लोगों को इकट्ठा करते हुए वहाँ पर पहुंचे और वहाँ पर उनकी मांग है की जो नौकरी का किया गया है तो उसके लिए अभी धरना बरकरार रहा। बिल्कुल सतीश, लेकिन जिसके साथ ही अब प्रशासनिक अधिकारियों को भनक तक नहीं लगी, धारा 144 का उल्लंघन किया है और जिसके बाद जब ये तहसील पर पहुंचे धरना प्रदर्शन दिया, तो क्या किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई की गई प्रशासनिक अधिकारियों की तरफ से या फिर कोई बात कही जा रही कार्रवाई करने की? जी मैं बता चलू, जिस तरह से धरना प्रदर्शन कर रहा है और वहाँ भी पहुंचे वहाँ पर किसान इकट्ठे हुए और वहाँ से जो बात की गई है तो अभी तो बात चल रही है धरने की, जो धरने को शांत कराने की बात की जा रही है, अभी किसी के खिलाफ भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सारी जानकारी देने के लिए सतीश। और अब रुख करेंगे उन्नाव का, जहां पर भड़काऊ मैसेज वायरल करने पर सपा नेता अरेस्ट हुए हैं। अग्निपथ को लेकर सपा जिला पंचायत सदस्य ने प्रदर्शन किया था, जाम लगाने के लिए लोगों को उकसाने का मैसेज वायरल किया था। ग्रुप में मैसेज वायरल कर युवाओं को इकट्ठा करने की कोशिश की गई। वायरल मैसेज पर उन्नाव पुलिस ने एक्शन लिया है और संज्ञान लेते हुए सपा जिला पंचायत सदस्य समेत 6 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। बड़ी कार्रवाई की गई है उन्नाव पुलिस की तरफ से। जाम लगाने के लिए लोगों को उकसाया जा रहा था समाजवादी पार्टी के नेता की तरफ से। ग्रुप में मैसेज वायरल कर युवाओं को इकट्ठा करने की कोशिश भी की जा रही थी। जिला पंचायत सदस्य की तरफ से ये बातें जिस तरीके से ग्रुप पर की जा रही थी, और इसके साथ ही आपको बता दें कि भड़काऊ मैसेज वायरल किए जा रहे थे ग्रुप पर, और उसको लेकर के उन्नाव प्रशासन ने बड़ा कदम उठाया है। भड़काऊ मैसेज पर वायरल करने पर समाजवादी पार्टी के नेता को अरेस्ट कर लिया गया है। मोरावा थाने में कुछ लोगों द्वारा अग्निपथ योजना का विरोध करने के लिए एक इकबाल जिंदाबाद नाम से व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया था और इस ग्रुप में तरह तरह की भ्रामक सूचनाएं भेजकर लोगों को उकसाया जा रहा था और धरना और जुलूस करने के लिए प्रेरित किया जा रहा था। इस ग्रुप पर समय रहते थाना पुलिस द्वारा काम किया गया, जिसमें ये पाया गया कि ग्रुप के एडमिन या ग्रुप के और भाई अन्य कोई भी सदस्य का आर्मी से कोरिलेशन नहीं था, ना ही कोई आर्मी की तैयारी कर रहा था। ये लोग सिर्फ माहौल खराब करने के उद्देश्य से ऐसा कर रहे थे। ये बड़ी कार्रवाई की गई है उन्नाव प्रशासन की तरफ से, भड़काऊ मैसेज वायरल करने पर कार्रवाई की गई है। अग्निपथ को लेकर समाजवादी पार्टी के जिला पंचायत सदस्य ने प्रदर्शन किया था और जाम लगाने के लिए लोगों को उकसाने का मैसेज भी वायरल किया गया। को बता दें कि जिस तरीके से अग्निपथ योजना को लेकर
लगातार युवाओं में आक्रोश है और इसी कड़ी में सपा के जिला पंचायत सदस्य ने उन युवाओं को भड़काने की कोशिश की, उन युवाओं को और उकसाने की कोशिश की गई, जिसमें समाजवादी पार्टी के जिला पंचायत सदस्य समेत 6 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है उन्नाव पुलिस की तरफ से। वहीं कांग्रेस नेता सुबोधकांत सहाय ने एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर एक विवादित बयान दिया है, जिससे देश भर में राजनीतिक हलचल मच गई है। सुबोधकांत ने कहा है कि मोदी हिटलर की तरह काम कर रहे हैं और ऐसे में आगे मौत का भी हवाला उन्होंने हिटलर का दिया है। और इधर सुबोधकांत के इस बयान पर झारखंड में भी तीखी प्रतिक्रिया मिली है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने इस बयान पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। हिटलर ने भी ऐसा ही एक संस्था बनाया था, उसका नाम था खाकी, सेना के बीच में उसने बनाया था। मोदी हिटलर की राह चलेगा तो हिटलर की मौत मरेगा, ये याद रख लो। भगवान कांग्रेस और कांग्रेस के नेताओं को सद्बुद्धि दे। हल्की भाषा, गंदी भाषा, असंसदीय भाषा बोलना कांग्रेस और कांग्रेस के नेताओं के फितरत में है। और इस प्रकार की भाषा जितने बार हमारे दुनिया के सबसे सर्वाधिक लोकप्रिय नेता, भारत के प्रधानमंत्री के बारे में इस प्रकार की भाषा का जब जब उपयोग होता है, तब तक मोदी जी और लोकप्रिय होते हैं। और तो सुबोधकांत ने जिस तरीके से एक फिर इस बार विवादित बयान दिया है, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर विवादित टिप्पणी की है, जिसको लेकर अब देश भर में सियासी माहौल गर्माता नजर आ रहा है। लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तरफ से कांग्रेस पर हमला बोला जा रहा है और कहा तो यहां तक जा रहा है कि दरअसल सुबोधकांत के बयान पर कांग्रेस खुद माफी मांगे और सोनिया गांधी भी सामने आकर के माफी मांगे। समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान ने रामपुर में हो रहे लोकसभा उपचुनाव को लेकर सपा प्रत्याशी आसिम रजा के लिए जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने आजादी के बाद हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बंटवारे का जिक्र किया। वहीं रामपुर के पहले सांसद मौलाना अबुल कलाम आजाद के जेल में गुजारे गए दिनों की चर्चा भी की। वह देश में बढ़ती महंगाई पर भी बोलने से नहीं चूके। आजम खान ने अपने अंदाज में जहां ताजमहल का जिक्र किया, वहीं लाल किले को किराए पर उठाने का भी मुद्दा उठाया और इसी तरह वह अग्निपथ योजना को लेकर चल रहे हाहाकार पर जुबानी हमला करते नजर आए। देखो क्या हो रहा है बिहार में, अग्निपथ अग्निपथ ही बन गया, झुलस कर गई हिंदुस्तान की जमहूरियत। कितने करोड़ों नौजवान बेरोजगार है, कोई काम नहीं है। देखो क्या हो रहा है बिहार में, अग्निपथ अग्निपथ ही बन गया, झुलस कर गई हिंदुस्तान की जमहूरियत। कितने करोड़ों नौजवान बेरोजगार है, कोई काम नहीं है। देखो आजमगढ़ के लोकसभा के उपचुनाव का प्रचार करने पहुंचे परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने इंडिया वॉइस से बातचीत के दौरान कहा कि आजमगढ़ की जनता अपना मन बना चुकी है, आजमगढ़ में कमल खिलने जा रहा है, भाजपा प्रत्याशी दिनेश लाल यादव जीतने जा रहे हैं। और वहीं सपा पर निशाना साधते हुए दयाशंकर सिंह ने कहा कि मोदी व योगी जी ने इटावा, मैनपुरी जैसे तमाम जगह इनका किला ढहा दिया है, अब आजमगढ़ में भी सपा का किला ढहने जा रहा है। और इस बारे में परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह से खास बातचीत की हमारे संवाददाता ने। आजमगढ़ की जनता अपना निर्णय कर चुकी है, उस निर्णय को 23 तारीख को ईवीएम में जाना है और 26 तारीख को भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी दिनेश लाल निरहुआ जी भारी बहुमत से जीतने जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ की जनता ये समझ चुकी है कि उनके साथ छलावा होता है, उनके जो पहले के जनप्रतिनिधि थे कभी उनके खोज खबर नहीं रखते थे, कोरोना काल में कभी देखने नहीं आए, इन वर्षों में और आए भी
तो अपने ही परिवार के दूसरे एक प्रत्याशी जो अभी बदायूं से चुनाव हारे थे उनको लिया के यहाँ आजमगढ़ की जनता पर थोप दिए। जनता यहाँ विकास चाहती है, डबल इंजन की सरकार का लाभ लेना चाहती है, इसलिए जोगी जी और मोदी जी के नेतृत्व में दिनेश लाल नेहरुआ जी को विजय बनाने माना जा रहा। 2024 सही फाइनल है, देखिए ऐसा कुछ नहीं है, इस इलेक्शन से कोई फाइनल नहीं होता है, लेकिन न इसे कोई सरकार बननी है न कोई सरकार बिगड़नी है, लेकिन यहाँ की जनता यदि नेहरुआ जी को 2 साल के लिए विजयी बनाती है तो मोदी जी के सरकार में मंत्री बने। आपने सवाल 2022 में विधानसभा चुनाव में अमर सिंह जी के कैसे देखिए? मैं तो कहूँगा कि आजमगढ़ की जनता का दुर्भाग्य है कि जहाँ पर ये जो लोग आज आजमगढ़ में नेतृत्व करने के लिए आए हैं और थे, इनकी सब किला को मोदी और योगी के नेतृत्व में वहाँ की जनता ने ध्वस्त कर दिया है। आप इटावा में, मैनपुरी में, फिरोजाबाद में, बदायूं में, कनौज में, ये सब जगह ये समाप्त हो गए। ये भी किला इनकी जो है अंतिम किला है, ये अंतिम किला भी आपको 26 तारीख को आजमगढ़ से जो है भाजपा जो है कमल खिलाने जाए। हालांकि देखने वाली बात होगी आजमगढ़ की जनता जो है कमल खिलाने में कितना सपोर्ट करती, तो आने वाला समय होता है। जौनपुर से विवेक कुमार, इंडिया वॉइस। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।